ओम शांति। मुरली का तारीख है 26/9/2020। मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में वहां पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। गीत, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शुबाबा समझा रहे हो। तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो। तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं। दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती, पुरानी है वह बदल कर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, यह पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो, हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी देहली है, अब पुरानी देहली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उनमें रहने वाले लायक चाहिए। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न। तुम बच्चों को यहाँ एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं, मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यह तुम जानते हो। हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगड़ तो कोई बैठ ना सके, परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते। समझते हैं यह रॉन्ग पढ़ाई है, यह एम ऑब्जेक्ट है नहीं। ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है तो पढ़ाना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्टरी की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते यहाँ पढ़ाई रॉन्ग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, यह सब गपोड़े हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे, तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर यहाँ क्या हुआ? नहीं नहीं, सब गपोड़े थे। कहते यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कोई है जो निश्चय बुद्धि से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ, फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे या अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्टरी पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते हैं। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई नापास हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। या तो बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी संशय बुद्धि बना देते हैं। आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबर वार पास होते हैं ना। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, यहाँ भी ऐसे हैं। आते बहुत है पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले है, कोई डल बुद्धि है।
डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ देते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति कहा जाता है। वहां ऊंच पद पाना सके निश्चय भी है, परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो तोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा है या भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूं। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है। कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना, या पढ़ाई है ही बाप की। पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिगर इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते हैं, ग्लानी करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने, तो जो कुछ पुण्यात्मा बना फिर पापात्मा बन जाते। पुण्यात्मा बनते ही है इस पढ़ाई से, और पुण्यात्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है। बस कह देते जो नसीब, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं तो, या जो आकर मरुजीवा बनते हैं, वहां फिर रावण राज्य में जाकर मरुजीवा बनते हैं। हीरे जैसे जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे, यहाँ हार्ट फेल होते हैं तो असुरी संप्रदाय में चले जाते। यह है मरुजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्मा ये ही जाएगी ना। हम आत्मा या शरीर का बांध छोड़ देंगे तो समझेंगे या देही अभिमानी है। हम और चीज है, शरीर और चीज है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माए श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही है, या मनुष्यों को देवता बनाने का हुनर सिखाना होता है, या भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है। सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम है शिव। वही सत्युग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है या गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मण पने में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन ना सके। बाप यहाँ भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो है गुप्त, या तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर नरक का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहां जीना है पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो यहाँ है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है यहाँ तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य बुद्धि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है बल,
देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देहाभिमान है ना, तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बेटा है, टाइम मिला हुआ है, बल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं, या कम भी हो समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी, तुम सेना तो बैठी हो ना। बाप ने मंत्र दे दिया, पढ़ना है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यहाँ भी बुद्धि में है, याद की यात्रा पर रहना है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद, जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सावरा बन जाता है। यहाँ समझाना तो सहज है, पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरों का लिंग बनाते हैं, मोस्ट वैल्यूबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना, वह खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, पुकराज आदि के साथ तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के दाने बनते हैं, सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो नंबर वार बनते हैं, बनाते शुबाबा है। यह सब बातें बाप बिगर और कोई समझा ना सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहंती फिर चले जाते हैं। शुबाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता है तकदीर, किसी की तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसा करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्यात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है, फिर बौने रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते, 100 गुना याद होने से अवस्था जोर नहीं बरती। बाबा जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उनमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे, कहां भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाए। यहां तुम आते ही हो पतित से पावन बनने, फास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं, तो शरीर की भी कर्म भोगना कितना चलती है, अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इससे छूटते हो, अपने को देखना है हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है, यह है एम ऑब्जेक्ट, वहां 100% पवित्रता सुख शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं, तो अभी जो इतने धर्म है उनका जरूर विनाश होगा ना, समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ क्यालात चलाने चाहिए, समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है, इसीलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेटवे टू हेवन या नाम भी अच्छा है, वहां है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, या फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो, भक्ति मार्ग में ऐसा मुन जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मुन जाते हैं, रास्ता किसी को मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में, फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे, इसीलिए बाप कहते हैं महान कमबख्त भी यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते, संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं, तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने बदले
काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पड़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगर तो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। सेकेंड पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मरुजीवा बने हैं तो इस शरीर के बान को छोड़ देना है। पुण्यात्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। वरदान, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहा। परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता बवा। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसीलिए परिस्थिति रचना है और स्वास्थिति वाला रचता है। मास्टर रचता वा मास्टर सर्वशक्तिवान। कभी हार का नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरुजीवा जन्मदारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। श्लोगन, दृढ़ता कड़े संस्कार को भी मोम की तरह पिघला देते हैं। दृढ़ता कड़े संस्कार को भी मोम की तरह खत्म कर देते हैं। अच्छा, ओम शांति।